और तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। फराज क्या हाल करती है? साथ भाई ने अंदर लेकर से। चलो अंदर, आराम से आराम से आराम से आराम से। बहुत मारा है यार, बस नहीं यहीं बिठा दो, आराम से आराम से। कुछ देर में क्या हाल करती है? कत्ल कर दिया था क्या उन्होंने? अभी आप शुक्र करें कि उन लोगों ने इसे छोड़ दिया, वरना वो तो घर में जुआ करवाने का इल्जाम लगा रहे थे, और ऐसी सूरत में जमानत सिर्फ अदालत से मिलती, और वो भी ना जाने कब। ये क्या किया तुमने फराज? अच्छे घर में पले बड़े, ये जुआरियों में बैठने का शौक कहां से आ गया तुम? गलती हो गई। हो सके तो माफ करते हो। ये सब कुछ ना बहुत मामूली सा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है कुछ और भी नहीं, ना शरी तौर पर और ना ही कदी तौर पर। बुराई का अंजाम बुराई होता है, लेकिन खैर अल्लाह सब बेहतर करेगा। सच कहा है तुमने सबके, फिर आज अंदाजा हुआ ये जो अमल मेरे साथ आ चुका है किसी ना किसी दिन हो नहीं था। शुक्र गुजार हूं क्यों उसने मुझे इस बड़ी सजा से बड़ी करवा दी। साकिब शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्र जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। हो सके तो दुआ करना यार। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ, और शुक्रिया की कोई बात नहीं, भाई हूं तुम्हारा। मुझे तो उस शाकर पर गुस्सा आ रहा है, उसने पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया, सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया। लेकिन खैर वो बचेगा नहीं। शुक्रिया साकिब भाई, आपने सगे भाइयों से बढ़कर साथ दिया। भाभी आप शर्मिंदा कर रही हैं, कोई भी काम हो तो जरूर मुझे याद कीजिएगा, इसकी तो हालत सही नहीं है, फोन कर लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं।
हो सके तुम मुझे माफ कर देना। फराज़ सर, क्या कह रहे हैं आप शर्मिंदा है, मेरे लिए ही काफी है। और वैसे भी सुबह का बोला शाम को घर लौटा है, तो उसे बुलाने की